नमस्कार, पत्रिका के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। आज है दिन रविवार, तारीख 11 दिसंबर। सबसे पहले जानेंगे मौसम का हाल। राजधानी लखनऊ में तापमान सामान्य रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। अब बात करते हैं यूपी की 5 बड़ी खबरों की। ताजमहल में लगे बेशकीमती पत्थर गायब। आगरा के ताजमहल में लगे बेशकीमती पत्थर गायब हो गए हैं। नायाब पत्थर 400 साल पुराने हैं। इनकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरटीआई के जवाब में एएसआई ने ये जानकारी दी। गायब पत्थरों की जगह भरने के लिए एएसआई ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये खर्च 2015 से 2021 तक किया गया है। अपर्णा ने डिंपल को दी जीत की बधाई। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसमें डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। डिंपल यादव की जीत पर भाजपा नेता अपर्णा यादव खुशी जताई है। अपर्णा यादव ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय डिंपल भाभी को जीत की बहुत बधाई। विधानसभा चुनाव के पहले अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। यूपी के कारोबारी छापेमारी से हैं नाराज। उत्तर प्रदेश के कारोबारी विरोध पर उतर आए हैं। जीएसटी विभाग की छापेमारी से व्यापारी परेशान हैं। जीएसटी टीम कई फर्मों और दुकानों को सील भी कर रही है। कार्रवाई से राज्य भर के कारोबारियों ने दुकानों और बाजार बंद कर दिए। व्यापारियों ने कहा कि अगर जीएसटी टीम छापेमारी करना बंद नहीं करेगी तो पूरा बाजार बंद किया जाएगा। इस मामले में व्यापारी संगठन सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। यूपी रोडवेज की बस में बिना कैश के भी सफर। यूपी रोडवेज की बसों में अब बिना कैश के भी सफर किया जा सकेगा। यात्री क्यूआर कोड के जरिए बस का टिकट ले सकेंगे। यूपीआई के अलावा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम पे भी बसों में चलेगा। रोडवेज के रीजनल मैनेजर लव कुमार ने बताया, पैसेंजर अपने बचे पैसे लिए बिना ही बस से उतर जाते थे, फिर अपने पैसे मांगने के लिए शिकायतें दर्ज कराते थे। 26 दिन में रेपिस्ट की मौत की सजा। मथुरा की कोर्ट ने रेपिस्ट को मौत की सजा सुनाई दी है। अदालत ने दोषी पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 13 अक्टूबर को बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। घटना के 57 दिन बाद कोर्ट ने रेप और हत्या के मामले में फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 26 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को सजा का ऐलान किया है। अब दो ऐसी बड़ी खबरें जिनको डिटेल में जानना जरूरी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मिलेगी सोने की सुविधा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लेट कर यात्रा करने की सुविधा नहीं है। हालांकि जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोच की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1 साल बाद काम शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि वंदे भारत ट्रेन की लंबी दूरी पर भी चलाई जाएगी। वंदे भारत को राजधानी ट्रेनों की तरह दिन रात चलाने की प्लानिंग है। सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा दिया है। लखनऊ पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर नोटिस चस्पा की। अनुराग भदौरिया के घर पर चस्पा नोटिस को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फाड़ दिया। शनिवार को नोटिस फाड़ने का पता चला। इस पर घर में रहने वालों का कहना है कि घर का गेट बंद रहने की वजह से हम देख नहीं पाए कि नोटिस किसने फाड़ा है। भदौरिया ने एक टीवी चैनल पर सीएम योगी और उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने हजरतगंज थाने कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। अनुराग भदौरिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया।